नमस्कार, चैनल पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे बेसिक टॉपिक है। पृथ्वी की गतियाँ हम पढ़ें उससे पहले हम एक महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ना चाहेंगे जो है पृथ्वी की आकृति से संबंधित। देखें, हम पृथ्वी की आकृति जो बताई जाती है वो है आपकी लघुवक्ष गोलाब। लघुवक्ष गोलाब का तात्पर्य यही है लघु प्लस अक्ष। लघु प्लस अक्ष को यदि हम पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो इसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी अपने ध्रुवों पर चपटी है। अर्थात कुछ लोग इस तरह से भी व्यक्त करते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संतरे या नारंगी के समान है। जिस तरह से नारंगी या संतरा अपने ध्रुवों पर चपटा होता है, उसी तरह से पृथ्वी भी अपने ध्रुवों पर चपटी है। और इस प्रकार की चपटी आकृति को हम भूगोल में जियोड नाम से भी व्यक्त करते हैं। इसलिए पृथ्वी की जो आकृति है उसे जियोड भी कहा जाता है। इसको हम प्रूफ करने के लिए या समझने के लिए या देखने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखें तो इस तरह से ये एक जियोड है और आप लोग देख पा रहे हैं कि ये ध्रुव हैं, पोल्स, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इस तरह से पृथ्वी अपने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। इसको सही मायने में यदि हम गणितीय भूगोल के रूप में प्रूफ करें, आप लोगों के सामने एक दो इमेज दी गई हैं जो कंपेरिजन दिखाता है कि एक ये जो इमेज है ये बिल्कुल वृत्ताकार रूप है पृथ्वी का, जो कि नहीं है। दूसरी जो इमेज है ये आपको ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई प्रतीत हो रही है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पृथ्वी की आकृति को लघुवक्ष गोलाब बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें तो हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखें तो पृथ्वी की जो गणितीय हमने गणना की हुई है उससे भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि इस तरह से यदि हम देखें तो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है, भूमध्य रेखीय व्यास। स्वाभाविक सी बात है कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है तो ध्रुवीय जो व्यास है वो कम ही होगा और वो है आपका 12,714 किलोमीटर। इससे ये प्रमाणित हो रहा है कि पृथ्वी अपने ध्रुवों पर चपटी है, क्योंकि जहाँ भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 है और ध्रुवीय व्यास 12,714 है और इन दोनों में 42 किलोमीटर्स का अंतर है, जो ये प्रमाणित करता है कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। फिर भी हम दूसरे रूप में और समझ सकते हैं ये बात। देखें कि पृथ्वी की परिधि, यदि पृथ्वी की परिधि की भी बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि यदि भूमध्य रेखीय परिधि की बात करें तो ये 40,075 किलोमीटर है ध्रुवी भूमध्य रेखीय परिधि। जबकि ध्रुवों की तरफ से यदि हम पृथ्वी की परिधि को नापें तो ये बैठती है 40,008 किलोमीटर, जो कि एक फैक्ट भी है, तथ्य है। यदि हम ध्यान से देखें तो इन दोनों में भी 67 किलोमीटर का अंतर है, 67 किलोमीटर, जो ये प्रदर्शित कर रहा है कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। इससे ये प्रमाणित होता है कि पृथ्वी की आकृति पूरी तरह से गोल या वृत्ताकार नहीं होकर के बल्कि लघुवक्ष गोलाब है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और इससे पृथ्वी की अन्य जो घटनाएं घटित होती हैं उनमें भी इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम अपने मुख्य बिंदु पर आ जाते हैं और पृथ्वी की गतियां। आज हम यही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, पृथ्वी की गतियां। यदि हम देखें तो पृथ्वी की दो गतियां हैं। पहली है घूर्णन गति, जिसे हम परिभ्रमण गति भी कहते हैं। दूसरी है परिक्रमण गति, जिसे हम वार्षिक गति भी कहते हैं। सबसे पहले हम पृथ्वी की घूर्णन गति पर चर्चा करते हैं। देखें, पृथ्वी की घूर्णन गति या जिसको हम परिभ्रमण गति या दैनिक गति भी कहते हैं, ये क्या है? तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाना घूर्णन कहलाता है।
इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई लट्टू होता है, लट्टू, और उसको हम बचपन में खेलते हैं, तो वो लट्टू को जब हम घुमाते हैं तो वो अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। ये पृथ्वी की बड़ी ही महत्वपूर्ण गति है। इसके संदर्भ में और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप हम देख सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। आप लोग देख पा रहे हैं इस तरह से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन कर रही है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, और यही कारण है कि हम ये जान पाते हैं कि पृथ्वी जो सूर्य है वो पूर्व में उदित होता है और अस्त पश्चिम में होता है। इस स्लाइड से भी आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का एक पिक्चर है और ये पृथ्वी इस तरह से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन कर रही है। नेक्स्ट जो हमारी गति है वो है आपकी परिक्रमण या वार्षिक गति। यदि हम परिक्रमण या वार्षिक गति की बात करें तो क्या है ये? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति इसका मतलब यही है कि जब भी किसी वस्तु के सापेक्ष चारों ओर चक्कर लगाया जाए, यहाँ वस्तु हमारी सूर्य है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है, तो उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति कितनी है, कितना समय लेती है? तो यदि हम बात करें परिक्रमण काल की, तो उससे पहले मैं घूर्णन काल भी आपको बताना चाहता हूँ कि घूर्णन काल पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन गति कर रही है, जो अभी हमने चर्चा की, वो यदि हम देखें तो लगभग उसे हम एक दिन कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं, वो है आपके 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ये हमारी घूर्णन गति है जिसको हम दैनिक गति भी कहते हैं। इसी संदर्भ में यदि हम परिक्रमण काल या परिक्रमण गति की बात करें तो कितना समय है? ये परिक्रमण काल को हम एक वर्ष भी कहते हैं, जो कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय है परिक्रमण काल। इसका मतलब यही है कि पृथ्वी एक वर्ष में, पूरी अवधि में एक परिक्रमा कंप्लीट कर लेती है। देखें, अब हम परिक्रमण की दिशा की बात करते हैं। जैसे घूर्णन की दिशा हमने देखी तो घूर्णन पश्चिम से पूर्व दिशा है, लेकिन जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो वहाँ पर, क्योंकि ये दिशाएं सूर्य के सापेक्ष होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर परिक्रमण की दिशा की बात करें तो इसे हम वामावर्त या घड़ी की सुई के विपरीत, या इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, परिक्रमण की जो दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसका परिणाम क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरह से अभी हमने घूर्णन गति की चर्चा की, तो घूर्णन गति का जो परिणाम है वो हम सभी जानते हैं, दैनिक गति है, उससे दिन रात बनते हैं। लेकिन यदि हम परिक्रमण गति की चर्चा करें तो इसका परिणाम है ऋतुओं का परिवर्तन या ऋतुओं का बनना। एक वर्ष में और ऋतुएं बदलती हैं, ऋतुओं का परिवर्तन होता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण रूप में परिक्रमण का ही परिणाम है। पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है उसके परिणाम स्वरूप ही ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। देख स्लाइड में यदि हम देखें तो पृथ्वी जब पूरा एक चक्कर लगाती है सूर्य का, तो पूरा जो उसका परिक्रमण मार्ग है, जो वो लगभग एक वर्ष में पूरा करती है, उसकी लंबाई है 96 करोड़ किलोमीटर, अर्थात 96 करोड़ किलोमीटर। हम समझ सकते हैं कि एक वर्ष में पृथ्वी लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में 96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पृथ्वी तय करती है। और इस हिसाब से यदि हम पृथ्वी के परिक्रमण वेग को निकालें तो पृथ्वी का परिक्रमण वेग आता है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से कर रही है। और ये प्रश्न कई बार, कई
एग्जाम्स में आया भी है कि पृथ्वी का परिक्रमण वेग या किस गति से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो यह है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड अथवा 30 किलोमीटर पर सेकंड। ये बात हुई हमारी पृथ्वी की गतियों की। हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि मध्य में सूर्य की स्थिति है और किस तरह से पृथ्वी एक परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में कंप्लीट कर रही है। ये अवधि एक वर्ष की लगभग अवधि है जिसमें ये पूरा एक चक्कर अपना कंप्लीट करती है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से पृथ्वी अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है, और इसमें ऋतुओं का परिवर्तन भी प्रदर्शित किया गया है, किस तरह से इसमें ऋतुएं बदल रही हैं और पृथ्वी की लोकेशन भी बदल रही है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से एंटी क्लॉकवाइज और पृथ्वी अपना परिक्रमण सूर्य के सापेक्ष चक्कर लगा रही है। अब यदि हम देखें कि दिन रात की अवधि में जो अंतर आता है तथा ऋतुओं का जो परिवर्तन है, कभी शीत ऋतु होती है, कभी ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, तो ऋतुओं का परिवर्तन, हमने ये तो कहा कि ऋतुएं परिक्रमण गति के कारण बनती हैं, लेकिन ऋतुओं का जो परिवर्तन हो रहा है वो किसका परिणाम है? तो उसके लिए हमारा उत्तरदायी है पृथ्वी की धुरी का झुकाव। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और उसी का परिणाम है कि हमारे दिन रात की अवधि में अंतर आता है और ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। इसको हम इससे भी देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी का जो अक्ष है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस तरह से हम इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये पृथ्वी का अक्ष है और इस अक्ष पर आप लोग देख सकते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुकाव का ही परिणाम है कि दिन रात में अंतर आता है, कभी दिन बड़े होते हैं, कभी दिन छोटे होते हैं, कभी रातें बड़ी होती हैं, कभी रात छोटी होती हैं। इसी तरह से ऋतुओं में भी जो परिवर्तन होता है वो इसी झुकाव का परिणाम है। इसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हम चर्चा करेंगे जो कि कई एग्जाम्स में प्रश्न आया हुआ है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, परंतु पृथ्वी के अक्ष का पृथ्वी के कक्षा तल से कितने डिग्री का कोण बनता है? तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर है कि पृथ्वी का जो अक्ष है वो पृथ्वी के कक्षा तल से, कक्षा का मतलब ऑर्बिट से, कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो वो है 66.5 डिग्री। ये 66.5 डिग्री कैसे आता है या कैसे आया, तो इसको हम इस स्लाइड से भी समझ सकते हैं कि यदि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई नहीं होती तो इसका अक्ष इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री होता, लेकिन चूंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये 23.5 डिग्री इसका झुकाव है, तो हम देख सकते हैं कि ये पूरा जो एंगल है ये 90 डिग्री है और पृथ्वी 23.5 डिग्री झुक गई है। तो शेष जो हमारा कोण बचा जो ऑर्बिट से, वो हमारा बचा 66.5 डिग्री। इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 23.5 डिग्री इज इक्वल टू 66.5 डिग्री। तो पृथ्वी का जो अक्ष है वो अपने कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। आगे हम चर्चा करें तो ऋतुओं का जो परिवर्तन है, ऋतुओं के परिवर्तन की हम बात करें तो चार महत्वपूर्ण ऋतुओं का परिवर्तन इन झुकाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। सबसे पहले है 21 मार्च। हम ये मानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 21 मार्च को प्रारंभ करती है और 21 मार्च को सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, अर्थात 0 डिग्री पर, और इसीलिए उस ऋतु को हमने नाम दिया है वसंत विषुव, या उस दिन को हम कहते हैं वसंत विषुव, या इंग्लिश में कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स या
स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी कहते हैं। परिक्रमण की प्रक्रिया में जब पृथ्वी आगे परिक्रमा करती है तो 3 महीने बाद में और स्थिति होती है 21 जून, और पृथ्वी के झुकाव के कारण अब सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो कर्क रेखा पर पड़ती हैं। कर्क रेखा का मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब जब सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर पड़ती हैं तो इस घटना को हम उत्तरी अयनांत कहते हैं, या क्योंकि उस समय ग्रीष्म ऋतु होती है तो इसलिए ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं। कर्क रेखा पर सूर्य पृथ्वी की स्थिति सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं इसलिए इसको कर्क संक्रांति अथवा इंग्लिश में समर सोलिस्टिक भी कहते हैं। फिर पृथ्वी परिक्रमा कंप्लीट करती है आगे, और फिर 3 महीने बाद में जब स्थिति पुनः सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और वह तिथि या डेट होती है 23 सितंबर, और इस तिथि को हम कहते हैं शरद विषुव, क्योंकि उस समय शरद ऋतु होती है, शरद विषुव या इंग्लिश में कहते हैं ऑटोमन इक्विनॉक्स। और हम समझ सकते हैं कि इन दोनों 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों तिथियों में सूर्य की स्थिति या सूर्य की किरणों की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है। पुनः पृथ्वी परिक्रमा करती है और आगे 22 दिसंबर को अब सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। मकर रेखा का मतलब 23.5 डिग्री साउथ या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर पड़ती हैं, और इसीलिए उस समय जो ऋतु होती है उत्तरी गोलार्ध में वो शीत ऋतु होती है, इसलिए इसको हम शीत अयनांत भी कहते हैं। दक्षिणी अयनांत कहते हैं क्योंकि इस समय सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में है, और चूंकि इस समय सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर होती है इसीलिए इसको मकर संक्रांति भी कहते हैं या विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। यदि इसको हम अलग अलग गोलार्धों के संदर्भ में समझें तो हम समझ सकते हैं। ये देखें, आपको इस स्लाइड से भी समझ में आया, सबसे पहले स्थिति आप लोग देख पा रहे हैं ये 21 मार्च की स्थिति है। 21 मार्च जब सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ रही हैं 21 मार्च, और इसीलिए इस ऋतु को हम वर्नल इक्विनॉक्स या वसंत विषुव भी कहते हैं इस तिथि को। 3 महीने पश्चात लगभग पृथ्वी की स्थिति झुकाव के कारण अब सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें या सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होती है, और ये डेट होती है आपकी 21 जून। चूंकि उस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है इसीलिए हम इसको ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं। पुनः पृथ्वी आगे परिक्रमण करती है और अब ये 23 सितंबर को अब पुनः सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, और जिसे हम शरद विषुव के नाम से भी जानते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं इस तरह से 23 सितंबर को, और पुनः परिक्रमण करते हुए आगे अब सूर्य की सीधी किरणें या सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होती है, जिसे हम मकर रेखा के भी नाम से जानते हैं, और इस तिथि को हम लोग सब जानते ही हैं 22 दिसंबर की स्थिति है। और चूंकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है इसलिए इसको हम शीत अयनांत के नाम से भी जानते हैं, ये जो तिथि है 23 सितंबर। तो इस तरह से पृथ्वी पर ये 4 जो महत्वपूर्ण ऋतुएं हैं ये 3-3 महीने के अंतर पर बदलती हैं, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। इसे हम एक चार्ट से भी समझ सकते हैं। ये चार्ट देखें, ऋतुओं का परिवर्तन का क्रम यदि हम ध्यान से देखें तो 21 मार्च की जो डेट है आप लोग देख पा रहे हैं 21 मार्च वसंत विषुव
कहते हैं इसीलिए उस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उस समय शरद ऋतु होती है। उसी तरह से हम देखें 21 जून की डेट, उस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है 21 जून, और बिल्कुल ठीक उसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसी तरह से यदि हम देखें 23 सितंबर को यदि हम देखें तो बिल्कुल विपरीत जो 21 मार्च के है, शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और 22 दिसंबर अर्थात दिसंबर के महीने के बाद में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु चल रही होती है, क्योंकि सूर्य उस समय दक्षिणी गोलार्ध में होता है और दक्षिणी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म ऋतु होती है। इस तरह से हम इस चार्ट से ये समझ सकते हैं कि किस तरह से पृथ्वी के झुकाव और परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं का जो परिवर्तन है वो इन दोनों का ही परिणाम है। आज हमने चर्चा की पृथ्वी की गतियों के बारे में, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।